अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के राष्ट्रपति पद से विदाई का काउंटडाउन चल रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क की कमान अब जो बाइडेन के हाथ में आने वाली है, लेकिन अमेरिका की गद्दी छोड़ने से पहले ट्रंप ने अपने वादे पर अमल करना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने उस चीन को सबक सिखाना शुरू कर दिया जिसे कोरोना काल में बर्बाद करने की धमकी वो कई बार दे चुके हैं। पूरे कार्यकाल में चीन के साथ कड़वाहट और टकराव रखने वाले ट्रंप जाते जाते भी ड्रैगन को कई जख्म दे रहे हैं। ट्रंप ने जाते जाते चीन के साथ सांस्कृतिक रिश्ते खत्म करने की कोशिश की है। ट्रंप ने 5 सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। अमेरिका का कहना है ये कार्यक्रम चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे। अमेरिका के लिए ये कार्यक्रम किसी काम के नहीं है। विदाई से पहले यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से एक बिल पास करा सकते हैं जिससे चाइनीज कंपनियों को अमेरिकी एक्सचेंज को बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे में अटकलें लग रही कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने से पहले बचे 7 सप्ताह में ट्रंप चीन को और कैसे कैसे जख्म देंगे। हांगकांग की स्वायत्ता को कम करने के आरोपी अधिकारियों और कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेताओं पर भी बैन लगाया जा सकता है। बुधवार को अमेरिकी संसद में उस कानून को पास किया गया जिससे यूएस अधिकारियों को चाइनीज कंपनियों के फाइनेंशियल ऑडिट्स को जांचने की अनुमति मिल जाएगी। साथ ही कंपनियों को यह खुलासा करने की आवश्यकता होगी कि वो चाइनीज सरकार के नियंत्रण में हैं या नहीं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने यह भी कहा कि कस्टम अधिकारी चीनी सेना से जुड़ी कॉटन कंपनी के उत्पाद को लाने वाले जहाजों को जब्त कर लेंगे। ये कंपनी चीन की सबसे बड़ी कॉटन उत्पादक कंपनियों में शामिल है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि 20 जनवरी को जो बाइडेन का कार्यकाल शुरू होने से पहले ट्रंप चीन पर और सख्ती बरत सकते हैं। हालांकि ट्रंप के इन फैसलों के बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या ट्रंप महज चीन को मजा चखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन की राय में रोड़े बिछाने के लिए ऐसे निर्णय ले रहे हैं। दरअसल जानकारों की नज़रों में बाइडेन के लिए इन कदमों को या तो चीन के खिलाफ फायदा पहुंचाने वाली स्थिति या संभावित रूप से उनके हाथ बांधने के तौर पर देखा जा सकता है। लंबे समय तक सीनेटर रहे और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसी सप्ताह न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि चीन के खिलाफ बड़े कदमों से पहले वो अमेरिका के सहयोगियों से राय विचार लेंगे, जिसमें दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच जनवरी में फेज 1 ट्रेड डील पर दोबारा काम करना शामिल है। ट्रंप की ओर से उठाए गए हालिया कदम ट्रेड वॉर, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन और कोरोना महामारी की उत्पत्ति को लेकर चीन और अमेरिका के बीच चल रहे खराब रिश्तों को और बिगाड़ सकते हैं, लेकिन ट्रंप को इस सब की शायद परवाह नहीं। ट्रंप को तो बस अपनी कसम पूरी करनी है, फिर चाहे अंजाम जो हो।